नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। रीवा जिले के त्योंथर में बवाल मचा हुआ है। यहां स्कूल से घर जा रही पांचवी कक्षा की मासूम छात्रा से एक शख्स ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को पहले लिफ्ट दी, उसके बाद उसे सुनसान इलाके में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान मासूम मदद के लिए चीखती रही। मामला जनेय थाना इलाके का है। कई घंटे बाद आरोपियों के चंगुल से छूटी बच्ची सड़क पर मदद की गुहार लगाती रही। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपहरण में उसका साथ देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। चुनावी सीजन में बड़ी निगरानी के बीच सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में दबिश देकर सतना आरपीएफ ने 46 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच के लिए आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक शिकायत चुनाव आयोग से सतना जिले के रामपुर बाघीलाल क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ की गई है। मामला रामपुर क्षेत्र के कोटर में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक से जुड़ा है। आरोप है कि यह बैठक मंदिर में हुई। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर बाघीलाल विधानसभा क्षेत्र के कोटर में भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह विक्की ने शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी। शहर के गांधी रोड स्थित हाई कोर्ट जज के बंगले में आधी रात को चोरी की वारदात के लिए घुसे चोर को जब गार्ड ने घेरा तो वह अपना मोबाइल चप्पल छोड़कर भाग गया। हाई कोर्ट जज के बंगले में चोर घुसने से रात को ही हंगामा खड़ा हो गया। पूरा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने रात को ही ताबड़तोड़ छानबीन शुरू कर दी। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस अफसरों को बताया कि मुझे नहीं पता था कि वो जज साहब का बंगला है। अब कभी नहीं करूंगा चोरी, मुझे छोड़ दो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बची हुई 94 सीटों को लेकर कवायद तेज हो गई है। इन सीटों में जबलपुर की भी 2 सीटें शामिल हैं जिन्हें होल्ड किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कब्जे में गई हुई उत्तर मध्य विधानसभा और सिहोरा विधानसभा में भाजपा विधायक नंदनी मरावी की सीट शामिल है। वहीं दोनों सीटों में अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। एक कहावत आपने सुनी ही होगी, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले में चरितार्थ हुआ है। मछली पकड़ने गए एक युवक ने जैसे अपना जाल फेंका तो उसमें भारी भरकम चीज फंस गई। किसी तरह उसने जाल को बाहर निकाला तो उसमें सोने जैसा घोड़ा फंसा हुआ नजर आया। इसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना पर आचार संहिता लगते ही राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लाडली बहनों को पैसा नहीं डालने देगी। एक वीडियो में सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते सुनाई दे रहे हैं कि मुझे पहले ही आशंका थी कि कांग्रेस लाडली बहनों के पैसे बंद करेगी। इन्होंने तो अब लाडली बहना योजना बंद करने की भी तैयारी कर ली है। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मेहर से पार्टी छोड़ने वाले विधायक नारायण त्रिपाठी पर सवाल किया गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि काहे के त्रिपाठी, कोई नहीं है नारायण त्रिपाठी। कि नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और अपनी व्यवस्था से ही हर काम करते हैं। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। अवंतिका गैस में नौकरी पाने के लिए पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के डायरेक्टर के नाम से फर्जी लेटर भेजने का मामला सामने आया है। पीएमओ डायरेक्टर की तरफ से फर्जी सिफारिश की गई थी। लेटर देखने के बाद कंपनी के अधिकारी भी पहले सकते में आ गए। अब मामले में पुलिस को शिकायत की है। प्रारंभिक जांच में लेटर फर्जी पाया गया है। जबलपुर में चुनावी चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे करीब 58 लाख की कीमत के 79 एप्पल आईफोन जब्त करने की कार्रवाई की है। दरअसल यह कार्रवाई जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 में चेकिंग के दौरान की है, जहां आरोपी जबलपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति से दिल्ली की ओर जा रहा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।